हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। ये हमें पता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती रहती है जैसे जैसे हाइड्रेशन की प्रोसेस होती जाती है, और ये हीट जो है लार्ज अमाउंट में निकलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर खाली हाथ अगर हम सीमेंट में डालेंगे, सीमेंट पेस्ट में डालेंगे या कॉन्क्रीट में डालेंगे, तो हाथों में बर्न्स हो जाते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है, फट जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए आपने देखा होगा सारे लेबर जो है वो ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तो इतनी लार्ज क्वांटिटी की हीट निकलती है कि वो समटाइम्स बहुत टेम्परेचर को राइज कर देता है। अब जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये होगा कि ऊपर का जब ड्राई हो जाएगा सीमेंट या कॉन्क्रीट, तो और ड्राई हो जाएगा और अंदर का इट वुड बी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, तो वहां पर अंदर गीला है, ऊपर ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, और इस प्रोसेस में उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो ये क्रैक्स जो बन रहे हैं ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, ये इसने अपना एक अटेंशन फोकस किया। जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट थे जो कंक्रीट पे काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लो हीट सीमेंट हम निकाल सकें, जिस सीमेंट में जब हाइड्रेशन हो तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट इवोल्यूशन जो हो वो लो हो, इससे टेम्परेचर राइज ना हो। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी डेवलप करने में यूएसए ने एक तरह का कंक्रीट मास कंक्रीटिंग के लिए सीमेंट डेवलप किया 1930 में, जिसकी की हीट ऑफ हाइड्रेशन लो थी, और इसको यूज किया उन्होंने डैम्स में जहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि लार्ज मास कंक्रीटिंग होती है और वहां मास कंक्रीटिंग में बहुत एक्सेसिवली लार्ज एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो वहां पर यह क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखती है। तो वहां के लिए उन्होंने ये सीमेंट मैन्युफैक्चर किया लो हीट सीमेंट को, बाद में वो सभी जगह पर कॉमन हो गया। तो इसमें कैसे बनाया वो सीमेंट उन्होंने, ये समझ ले तो आपको याद है जब अपन ने सीमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके क्लिंकर के कंटेंट्स पढ़े थे, तब हमने देखा था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन C3S दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसमें बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिलीज होता है पर ग्राम, तो और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसमें कंपैरेटिवली कम हीट इवॉल्व होती है। तो बस यही इसी चीज को पकड़ा गया, और जहां आपको लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की सीमेंट बनानी है, लो हीट सीमेंट बनानी है, वहां पर आपने C3S और C3A का कंटेंट रिड्यूस कर दिया और C2S का कंटेंट इंक्रीज कर दिया, इसलिए जो एकदम से हीट बढ़ रही थी वो रिड्यूस हो गई, और धीरे धीरे हीट तो उतनी ही निकलती है लेकिन वो धीरे धीरे निकलती है, उसका टाइम बढ़ जाता है। तो ये जो जो टेम्परेचर को हमने लोअर डाउन किया, इससे जो केमिकल एक्शन है सीमेंट के हार्ड होने का वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा स्लोअर हो जाता है। तो अब इसमें फिर ये अगर लॉन्ग पीरियड तक जब हमने ऐसा कर दिया तो ये हीट ऑफ इवोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। तो ये एक फीचर है लो हीट सीमेंट का कि उसमें गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो एक स्लो रेट पर होता है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ लो हीट की और सेम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की सेम होती है एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे अगर हम देखें कि इंडियन स्टैंडर्ड इस बारे में क्या कहता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि जो लो हाइड्रेशन, जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन लो है, ऐसी सीमेंट में आपको देखना है कि 7 डेज में पर ग्राम ही जो एनर्जी रिलीज होना है, हीट एनर्जी रिलीज होना है वो 65 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं होना है, और अगर 28 डेज में देखें तो इट शुड नॉट रिलीज मोर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ सीमेंट। तो ऐसे केस में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है सीमेंट का वो भी एक रोल प्ले करता है। तो देखा गया है कि एयर परमिबिलिटी मेथड से अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन किया जाए तो वो 3200 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ये कोड में मेंशन है। और अगर देखें तो जैसा कि हमने कहा कि क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को हमने लो कर दिया है तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ लो हो रहा है, इसलिए आप देखोगे कि जो इसमें 7 डेज की स्ट्रेंथ अगर हम लो हीट सीमेंट की कंपेयर करें और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की करें तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो लो हीट सीमेंट में आपको मिलेगा ये 16 MPa के आसपास मिलेगा 7 डेज में, 16 MPa से कम नहीं होना चाहिए। और वही अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देखते हैं तो वहां पर 22 MPa के आसपास रहती है, उसके ऊपर ही रहती है। तो यही एक चेंज है जो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट को डिफरेंट बनाता है, हीट इवोल्यूशन एंड रेट ऑफ गेन ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो स्लोअर रहती है।
लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे सेटिंग टाइम, साउंडनेस, ये एग्जैक्टली सेम ही होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह। तो ये लो हीट सीमेंट को हम पर्टिकुलरली मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं इन्हीं फीचर्स के साथ।